back to another movie. Well, in this video, we're actually going to Simbad, and we're going to have a rickshaw. But yeah, rickshaw sounds so fun. रक्षा असल में हम लोग सारी कजन्स हैं, तो वर एक्चुअली गोइंग इनटू द रक्षा ताकि फन हो. तो रक्षा इज एक्चुअली वेरी फन. वी आर सिक्स पीपल एट द मोमेंट. ओके सो लेट्स गो टू सिम्बाद. हमें पता नहीं है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वो पता है कि खुला हुआ है, लेकिन ये नहीं पता कि इट्स गोइंग टू बी वर्थ द मनी और नॉट. इतना पैसे भी नहीं है. आई गेस 500 रुपीज है. पैसे ज़्यादा नहीं है, लेकिन वी डोंट नो कि वहाँ पर बड़ों की राइड्स है भी कि नहीं है. अभी हम लोग चिंचिए बैठे हुए थे और इन लोगों को फिर ये भी लेना है. इतने कुछ फकीर लोग है ना, ये लोग के पीछे बैठे हुए हैं. आप लोकली बैठे हो कस्टमर, आप लोकल तो अभी वी जस्ट एंटर्ड, लुक एट दैट, एंड एवरीबॉडी इज जस्ट गोइंग इनसाइड. आर यू गाइस एक्साइटेड? सो एवरीबॉडी लुक एट दैट, दिस इज द सिंबाद. असल हम लोग यहाँ पर बचपन में आते थे, बट दिस टाइम वी डिसाइडेड कि हमें आ जाना चाहिए. ऑनेस्टली हाय राफिया, से हाय टू द व्लॉग. ये मेरा व्लॉग भी है एक्चुअली. Everybody say hi to the vlog. Hello. So they basically have this wristband thing at the top, और यहाँ पर जो है वो it's like a 500 rupees, और ये सब कुछ ऐसे ही है, और ये यहाँ पर wristband लगा देंगे, which is quite nice. So we basically finally have got this wristband, और अभी हमने सबने ले लिया है. So let's just go inside and just explore कि आखिर क्या है. बचपन में तो बहुत अच्छा होता था. Going inside, let's just go. So it's like really dark. I don't know. It's not that dark, but अभी असल में मगरिब, हम लोगों ने मगरिब का टाइम हो गया. हम लोग असर में निकले थे. वो रक्शे वाला इतना स्लो रक्शा चला रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ. अच्छा, अभी हम लोग जो है अंदर आए हैं. हमें इतनी ख्वारी हो गई थी आकर लिटरली, क्योंकि हम लोगों को रिक्शे वाले ने उतारा नीपा पर, और नीपा से हम लोग फिर हम लोगों ने एक और रिक्शा किया है, एंड देन इट वाज लाइक थोड़ा सा हैक्टिक हो गया था, क्योंकि हम लोगों को इतना आइडिया नहीं है इन सारी चीज़ों का. एक्चुअली बाइंग द कॉटन कैंडी, और ये जो है अलग ही वाइब एक्चुअली इनसाइड दिस स्ट्रेंज क्रेजी बस. आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन. ओह माय गॉडनेस. सो वी आर एक्चुअली बुशरा, व्हाट्स हैपनिंग? सो वी आर एक्चुअली हेडिंग टुवर्ड्स दिस स्ट्रेंज, पता नहीं क्या है ये, एंड वी आर एक्चुअली गोइंग टू गेट देयर. लेट्स सी हाउ इट्स गोना बी. ये एक अजीब सी शिप है. अच्छा, हम लोग अभी अभी ये शिप से उतरे, और ये सबकी हालतें देख लें. आप रुके हुए हैं, ये लोग कुछ खाने के लिए ले रहे हैं, विच इज दिस. तो ये कुछ नूडल्स हैं, स्पाइसी रामेन. Let's see what we're going to get. What are we going to get? We're going to get the ramen spicy ramen. We just
just got, or I'm not sure if it's gonna be good or no. They actually add that red sauce in the noodles. Yeah. Okay, just sounds good. Smells good. भी ये सब लोग एक ही में लगे हुए हैं क्योंकि इन लोगों को शोर नहीं है कि कैसे होंगे। Actually going inside the 4D cinema और यहाँ पर काफी डार्क है, इतना डार्क है कि मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। मैं जगह है मेरे लिए। So this is they have given us for this 4D something. Oh my god, सब हमारे साथ प्रैंक हो चुका है। अभी अभी हम लोग ये साथ जो है 4D सिनेमा गए थे और यहाँ पर कुछ भी नहीं था, हमें चश्मों में नजर भी नहीं आ रहा था, ब्लर नजर आ रहा था। मैंने लिटरली वो ग्लासेस उतार दिए, मैंने उतार दिए और फिर हम लोग अपनी पिक्चर्स खींचने लग गए थे क्योंकि कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, कुछ नजर भी नहीं आ रहा था। ओके सो दिस इज अ ड्रैगन राइड। टू एक्सप्लोर और भी इधर राइड हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि आप कौन से राइड ट्राई करें। अभी एक राइड हम लोगों ने ऑलरेडी ट्राई करनी है लेकिन अभी पता नहीं यहाँ पर अभी हम आए, इसका नाम है बम्प एंड गो। आई डोंट नो कि ये क्या चीज़ है। ओ इट्स आई गेस डॉजिंग कार है, इसको हम कब से ढूंढ रहे थे। मैंने अभी सिटिंग ऑन द डॉजिंग कार और कब से हम लोग इसी की तलाश में थे। सही हो इधर बैठी, अच्छा बैठे थे। दिस इज बेसिकली द कार और हम इसके अंदर बैठ गए। ओके लिए हम इस वाले झूले बैठने लगे हैं। यहाँ से आई गेस रश नहीं हो रही, पहले बहुत ज़्यादा रश हो रही थी लेकिन ये लेट्स सी, बस ये रोलर कोस्टर की तरह ओवर हाइप ना हो, लेट्स सी। अभी मैं और आसिया साथ बैठे हुए हैं, अभी अभी पता नहीं ये झूला गोल गोल चले बगैर गोल गोल क्यों घूम रहा है। This is basically the ride. गोल बॉन्डेड। अच्छा अभी अभी हम लोग बाहर जाने लगे, बाहर जाने से पहले हम लोग नूडल्स ले रहे हैं। हम लोग स्पाइसी रामन कितने लिए, दो स्पाइसी रामन लिए हमने और सो गुड, या इट वॉज सो गुड। तो अब हम दोबारा ले रहे हैं। I just got the ramen और आसिया को रामेन खाने नहीं थे तो उसने कहा कि वो रामेन नहीं खाएगी, सो आई एम जस्ट गोइंग टू बी हैविंग माय रामेन और लेट्स सी कि वो लोग क्या खाते हैं। अच्छा यहाँ पर ना फूड कोर्ट भी है, लेट्स सी के यहाँ पर हम लोगों को, यहाँ पर सारे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, ऊपर प्ले एरिया बना हुआ है। अच्छा यहाँ पर अच्छी बात यह है कि यहाँ पर हम लोगों को ना चाय मिल गई है, गुड हो गया। अभी अभी हम लोग फूड कोर्ट आए और हालत हो गई है हमारी उस राइड के बाद, और अजीब सी हालत हो रही है। अब बस हमें चाय नहीं, घर जाना है, हमें घर जाना है और बस घर जाना है और कुछ खाना है लेकिन चाय पीनी है, चाय पीछे बन रही है हमारी। और बाकी यहाँ से हम कुछ भी नहीं खाएंगे, यहाँ का खाना ना मुझे थोड़ा सा फारिग लग रहा है, पता नहीं क्यों। तो वी माइट गो होम, वी माइट गो होम और वहाँ से हम लोग वहाँ पर कुछ ऑर्डर करा लें। अच्छा जी ये चाय आ गई है और ये थोड़ी फारिग चाय, लेकिन नहीं मुझे इसको, इस औरत को स्ट्रॉन्ग चाय पसंद है लेकिन मुझे जो है ना वो ये बहुत मेरे लिए वो हो रही है, स्ट्रॉन्ग हो रही है, मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा एक अनपॉपुलर ओपिनियन है मेरा कि अगर आप लोग यहाँ पर आना चाहते हैं सिंदबाद तो बिल्कुल ना आए, मतलब एक तो बहुत कम झूले हैं यहाँ पर, दूसरा चीज़ ये कि हर चीज़ के पैसे हैं और झूले की जो है ना वो ड्यूरेशन बहुत कम है, दूसरा ये कि बस इट्स जस्ट लाइक फाइन, अगर आप पहली दफ़ा आ रहे हैं तो इट्स गुड और एल्स डोंट कम हियर। मेरे मुंह में जो है ना मेरी सहेलियां, सो वी ऑल आर हैविंग दिस और चाय बस ठीक है, इट्स लाइक नॉट दैट गुड। तो यहाँ द गोला और यहाँ पर गोला बन रहा है,
ये ले। पर्पल भी, दिस इज बेसिकली द गोला और ये काफी अच्छा लग रहा है। एक सेकेंड Can we have Jordan? This is the red we don't know what you are. See? 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 Salaam alaikum everyone and welcome back to another vlog. Well, I have decided ke ab main koshish karungi ki main apne YouTube par work karu. I have been making content on Instagram. लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं रमज़ान व्लॉग्स बनाना स्टार्ट कर दूँ। मेरी बहन मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि राफ़ी यू शुड स्टार्ट मेकिंग रमज़ान व्लॉग फॉर योर ओन गुड भी, क्योंकि एक इंसान के पास एक मेमोरी रह जाती है। आप 5 साल के बाद अपने आप को देखोगे, यू आर गोना बी लाइक यार वी यूज़ टू स्पेंड रमज़ान लाइक दिस, क्योंकि आपको नहीं पता कि अगले 5 साल के बाद आप कहाँ होंगे। ओके, सो आई स्टार्ट माई डे सहरी के बाद, सोने के बाद, उठने के बाद 11 o'clock मैं उठी थी 10 o'clock पर। उसके बाद फिर मैं यूनी आ गई, यूनी आने के बाद मैं लाइब्रेरी चली गई डायरेक्टली, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही थी, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे ना बहुत सारे फ्लोर्स चढ़ने पड़ते हैं और मैं रोज़े में थी और मुझे बहुत सारे फ्लोर्स चढ़ने पड़ते हैं जब जाकर हमारी क्लास आती है, तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं डायरेक्टली पहले लाइब्रेरी चली गई, लाइब्रेरी जाके मैंने अपना जो भी थोड़ा बहुत कवर करना था पहले मैंने जाके वो कवर किया, मैंने अपना काम कर लिया थोड़ा सा। खैर, उसके बाद काम करते करते मुझसे ना ऐसे काम होता नहीं है, इट्स लाइक आई हैव टू लिसन समथिंग। मैंने बस नशीद्स लगाई अपने हेडफोन्स में एंड आई स्टार्ट फोकसिंग ऑन माय वर्क। यकीन माने व्हेन इट कम्स टू कराची के रोज़े, तो ये बहुत अनप्रडिक्टेबल वेदर रहता है कराची का। इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है कभी कभी, मौसम बहुत अच्छा हो जाता है, अल्लाह पाक हम पर बहुत मेहरबान हो जाता है। इतनी गर्मी हो रही है कि मैंने अपना पूरा दुपट्टे से अपना फेस रख लिया क्योंकि कराची। अच्छा, मैं क्लास के अंदर जब गई तो मैंने देखा कि मैं थोड़ा सा अर्ली चली गई क्लास के अंदर, फिर आहिस्ते आहिस्ते मैं घर पहुंची तो मैंने देखा कि सब लोग ऑलरेडी नमाज पढ़ के सब सो गए। उसके बाद मैंने बस, मैं घर पहुंची हूँ, मेरी इतनी ज़्यादा हिम्मत भी नहीं थी कि मैं बस कुरान पढ़ूँ। मैंने वज़ू किया जल्दी जल्दी, मैंने शावर लेने के बाद, वज़ू करने के बाद बस मैंने नमाज़ पढ़ी है अपनी, और नमाज़ पढ़ने के बाद मैं सो गई क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं ज़िक्र करूँ और कुरान पढ़ूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, देन आई वेक अप अगैन एट 6 o'clock और फिर मैंने अपनी नमाज़ पढ़ी, थोड़े से तस्बीह करी, आई जस्ट वोक अप और अभी अभी मैंने असर की नमाज़ पढ़ी है और थोड़ा सा कुरान पढ़ा है और थोड़ी सी जिक्र की है। उसके बाद इट्स लाइक आई गेस 6 o'clock और आधे घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी रहता है। एंड माय सिस्टर इज़ बेसिकली मेकिंग द फ्तार बाहर और मैं उसके साथ जाके अब हेल्प करा लूँगी थोड़ी सी। इधर आओ, उधर आओ, उधर आओ। अच्छा 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 फिर इफ्तार में कोई अराउंड 5 मिनट्स भी नहीं थे और मैंने जल्दी जल्दी अपने लिए रूह अफ़ज़ा बनाया। आई गेस मुझे ऐसा लगता है रूह अफ़ज़ा और जामे शीरी के ऊपर जो डिबेट होती है ना कि रूह अफ़ज़ा अच्छा है, जामे शीरी बेहतर है, दिस एंड दैट, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों का टेस्ट सेम ही होता है। मैंने रूह अफ़ज़ा, आई गेस इट वॉज़ रूह अफ़ज़ा, जामे शीरी जो भी था मैंने अपना लाइक मिल्क पैक के अंदर, दूध के पैकेट के अंदर, मिल्क पैक के अंदर मैंने जामे शीरी डाला। फिर उसके बाद उसको जल्दी से मिलाया क्योंकि मुझे इतना रोज़ा लग रहा था, मैंने बस यही बनाया इफ्तार के अंदर आज। फिर मैंने उसके बाद जल्दी जल्दी अपने लिए मिल्क शेक बनाया। उसके बाद आसिया वहाँ पर पिज़्ज़ा की ड्रेसिंग बना रही थी जो कि हम लोगों ने अफ्तार के बाद बनाना था। अफ्तार हम लोगों ने बना ली थी, उसने बना ली थी मेरी बहन ने, और उसके बाद हम लोगों ने ये सोचा था कि तरावी पढ़ने के बाद फिर हम लोग पिज़्ज़ा खाएंगे। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू अफ्तार ना, तो दस्तरखान के ऊपर एवरीथिंग लाइक लिटरली हर चीज़ होती है माशाल्लाह से। दस्तरखान एक तरह से फुल होता है, दही बड़े होते हैं, छोले होते हैं, शरबत होती है, कचौड़ी, समोसे, लाइक
अच्छा ऐसा होता है हमारे घर में कि हम लोग नई नई चीज़ें ट्राई करते रहते हैं इफ्तार के अंदर, कि कभी कोई कुछ बना लेता है, कभी कोई कुछ बना लेता है। और हमारे यहाँ ऐसे होता है कि इफ्तार में भी माशाल्लाह से बहुत सारी चीज़ें होती है खाने के लिए, और फिर उसके बाद हमारे घर में लोग क्योंकि तरावी पड़ते हैं, तरावी के बाद लगती है भूख, फिर उसके बाद हमारे घर में खाना भी बनता है। अच्छा व्हेन इट कम्स टू डूइंग इफ्तार और सहरी ना, तो हम लोग प्रेफरेबल हमारे लिए ये होता है कि हम लोग नीचे बैठ के सब एक साथ बैठ के खाना खाएं, क्योंकि एक अजीब सी स्पिरिचुअलिटी वाली फीलिंग आती है, क्योंकि आप क्या होता है कि एक तरह से सुन्नत से कनेक्ट कर रहे होते हो। अच्छा आपने पूरे दिन चाय नहीं पी हुई होती है, और इफ्तार के बाद की जो चाय होती है ना वो जी जो इफ्तार के बाद की जो चाय होती है ना, इट्स लाइक हेवन। ये इतनी कोई अलग तरीके से हिट करती है ना कि आप लोगों की सोच है। Okay guys, so I hope you like the vlog. Are you the part of the vlog? Yes. Okay. I am. Okay guys, I hope you like the vlog. और अभी हम लोग वापस घर जा रहे हैं, इट्स 9 o'clock, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा लेट हो गया, बिकॉज ये थोड़ा सा डार्क हो जाता है ना, थोड़ा सा भी डार्क हो जाए तो वी हैव टू बी एट होम आफ्टर मगरिब। हम लड़कियों को घर पर होना होता है क्योंकि हम लड़कियां हैं, क्योंकि हम लड़कियां हैं, समझ सकते हैं। और आई होप यू गाइस लाइक द व्लॉग, और आपको बड़ा मजा आया होगा हमारे साथ। सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, और लाइक करें मेरी वीडियो को, और शेयर करें। ओके खुदा हाफिज, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों को बहुत ज्यादा प्यार दीजिएगा, और बाय 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 बाय।